नमस्कार दोस्तों, एनआरई वर्सेस एनआरओ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंस है जो हमें समझना जरूरी है अगर हम नॉन रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट से जुड़े रिलेटेड पर्सन हैं। तो एनआरई एवं एनआरओ अकाउंट में दोस्तों क्या फर्क है, आज की वीडियो इसी पॉइंट पर फोकस्ड है। दोस्तों आज की वीडियो के कवरेज में क्या क्या बिंदु समाहित हैं, शामिल हैं, हु इज एन एनआरआई, वाई टू हैव अ एनआरई अकाउंट, वाई टू हैव एन एनआरओ अकाउंट, what is the difference between these two accounts, what are the tax implications thereof, and what is the difference between NRE and FCNR account. तो ये सारे पॉइंट लेकर के दोस्तों मैं आज की वीडियो से आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहली बात आपके समक्ष रखता हूं, who is an NRI? एक NRI कौन है सर, नॉन रेजिडेंट इंडियन कौन है? तो नॉन रेजिडेंट इंडियन मींस एन इंडिविजुअल बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज नॉट अ रेजिडेंट। यानी एनआरआई ऐसा व्यक्ति है सर जो कि या तो इंडिया का सिटीजन है या जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और जो रेजिडेंट नहीं, यानी एक नॉन रेजिडेंट है। तो ऐसे नॉन रेजिडेंट सर जो या तो भारतीय हैं नागरिकता से अथवा भारतीय मूल के हैं, वो इन दोनों अकाउंट के पर्पजेस से एनआरआई कहलाते हैं। अब आप बोलेंगे भाटिया जी पीआईओ कौन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जरा सा उस पर भी आपके समक्ष क्लैरिटी रखता हूं। पीआईओ मींस अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री अदर देन बांग्लादेश और पाकिस्तान हु एट एनी टाइम हेल्ड इंडियन पासपोर्ट और हु और आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स और एनी ग्रैंड पेरेंट वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और अंडर इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 और हु इज अ स्पाउस ऑफ एन इंडियन सिटीजन और स्पाउस ऑफ द पर्सन रेफर टू इन पॉइंट वन और टू अबाउट। के ऊपर के दो पॉइंट में से जो व्यक्ति मेंशन है उनके स्पाउस को भी पीआईओ यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जा सकता है। अब दोस्तों आपके समक्ष ये पॉइंट रखता हूं, व्हाई टू हैव एन एनआरई अकाउंट, एनआरई अकाउंट क्यों रखना है? तो एनआरई अकाउंट क्या है सर? एनआरई अकाउंट इज अ बैंक अकाउंट ओपन इन इंडिया इन द नेम ऑफ एन एनआरआई टू पार्क हिज फॉरेन अर्निंग इन इंडियन डिनोमिनेशन। यानी आप एक नॉन रेजिडेंट हो गए, इंडिया से बाहर काम करने चले गए और आपको अपनी फॉरेन अर्निंग इंडिया में लेकर के आनी है, इंडिया में रखनी है, तो ऐसी परिस्थिति में एनआरई अकाउंट आपके लिए एक उपयुक्त खाता है। तो विदेश से जो पैसा हमें लेकर के आना है सर इंडिया में, उसकी विंडो खुलती है एनआरई अकाउंट के थ्रू। अब दोस्तों देखिए, व्हाई टू हैव एन एनआरओ अकाउंट, एनआरओ अकाउंट क्यों रखना है? अ नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट इज अ बैंक अकाउंट ओपन इंडिया इन द नेम ऑफ एन एनआरआई टू मैनेज द इनकम अर्न्ड बाय हिम इन इंडिया। यानी मैं मान लीजिए विदेश काम करने चला गया और मेरी कुछ इंडिया में भी इनकम है, से रेंट के फॉर्मेट में, डिविडेंड, पेंशन, इंटरेस्ट, तो वो इनकम सर मेरे एनआरओ अकाउंट में आती रहेगी। तो एनआरओ अकाउंट तो हुआ दोस्तों हमारी इंडियन इनकम का खाता और एनआरई अकाउंट हुआ हमारे विदेश से लाए गए पैसे का खाता। ये दोनों के अंदर एक मुख्य बात समझने की रही। अब दोस्तों यहाँ एक टेबल फॉर्मेट में आपके सामने क्वेश्चन का उत्तर रख रहा हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, एनआरई एवं एनआरओ खातों में दोस्तों डिफरेंस क्या है? तो मैंने रखा सर बेसिस ऑफ डिफरेंस एनआरई अकाउंट के बारे में और एनआरए अकाउंट के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। प्लेस ऑफ मेंटेनेंस, एनआरई भी सर इंडिया में मेंटेन होगा, एनआरओ भी इंडिया में मेंटेन होगा। रिपैट्रिएशन यानी क्या आप इस खाते से इंडिया से बाहर पैसे वापस ले जा सकते हैं? एनआरई अकाउंट से आप विदाउट एनी लिमिट इंडिया से बाहर वापस पैसा ले जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यूएस का रेजिडेंट हुआ, मैंने यूएस से इंडिया में इनकम ट्रांसफर करी, अब मैं यूएस में एक मकान ले रहा हूं, तो मैंने जो एनआरई खाते में पैसा ट्रांसफर किया सर, अब मैं उसे वापस इंडिया से बाहर ले जा सकता हूं। ऐसे ही दोस्तों अगर एनआरओ अकाउंट है उससे भी आप विदेश में पैसा ले जा सकते हैं, लेकिन उसकी लिमिट है 1 मिलियन USD फॉर अ ईयर। आप 1 मिलियन USD तक की अमाउंट विदाउट किसी परमिशन के इंडिया से बाहर एनआरओ अकाउंट से भी ले जा सकते हैं। 1 मिलियन का मतलब हुआ सर $10 लाख, लेकिन इंटरेस्ट के लिए सर ऐसी कोई लिमिट नहीं है। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सर, क्या ये खाते जॉइंट होल्डिंग में आ सकते हैं क्या? एनआरई कैन बी हेल्ड जॉइंटली विद एनआरआई ओनली, हाउएवर एनआरओ कैन बी हेल्ड जॉइंटली विद एनआरआई एज वेल एज रेजिडेंट। के मान लीजिए मैं विदेश गया, मेरे माता पिता रेजिडेंट है, तो मैं उनके साथ में एक एनआरओ अकाउंट खोल सकता हूँ। मैं विदेश गया, मैं उनके साथ में जो कि रेजिडेंट है उनके साथ एनआरई अकाउंट नहीं खोल सकता। सोर्स ऑफ क्रेडिट, ओनली फॉरेन क्रेडिट्स आर परमिटेड, लेकिन एनआरओ में इंडियन एज वेल एज फॉरेन क्रेडिट्स बोथ आर परमिटेड। आप एनआरओ में सीधे फॉरेन क्रेडिट्स भी ला सकते हैं। विड्रॉल पॉसिबल इन INR ओनली यानी इंडियन रुपीज में, और एनआरओ से भी सर विड्रॉल INR में ही होंगे। फॉर्म ऑफ अकाउंट, इट कैन बी सेविंग, करंट, रेकरिंग और FD, इट कैन बी सेविंग और करंट अकाउंट। तो ये मुख्य बिंदु थे सर जो हमें
ध्यान रखने चाहिए एनआरई एवं एनआरओ अकाउंट में डिस्टिंग्विशन करते समय। अब देखिए दोस्तों, व्हाट आर द टैक्स इंप्लीकेशंस थेरऑफ। एक एनआरई अकाउंट बनाम एनआरओ अकाउंट में इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू मेन डिस्टिंग्विशमेंट क्या है। अगर आपका एनआरई अकाउंट है, चाहे वो सेविंग फॉर्मेट में है या फिक्स डिपॉजिट फॉर्मेट में है, उसकी इनकम अनकंडीशनली एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। लेकिन दोस्तों, अगर कोई एनआरओ अकाउंट है तो उसकी जो रिसीट है, उसका जो इंटरेस्ट है, वो आपके लिए टैक्सेबल होगा। हालांकि इस संदर्भ में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के प्रावधान निश्चित रूप से ध्यान में रखने हो। यहाँ एक और महत्वपूर्ण डिस्टिंग्विशमेंट या डिफरेंस आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनआरई अकाउंट एंड एफसीएनआर अकाउंट, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट बनाम एनआरई अकाउंट, इन दोनों में भी क्या डिफरेंस है। यहां मैंने बेसिस ऑफ डिफरेंस एक एक डिस्कस करता हूं सर। सोर्स ऑफ क्रेडिट, एनआरई में फॉरेन प्रोसीड, एनआरओ में फॉरेन प्रोसीड। टाइप ऑफ अकाउंट, ये सेविंग बैंक अकाउंट हो सकता है, एफडी हो सकता है, जबकि एफसीएनआर सर केवल एफडी फॉर्मेट में खुलती है। करेंसी ऑफ अकाउंट, एनआरई अकाउंट सर इंडियन करेंसी फॉर्मेट में खुलता है, जबकि एफसीएनआर अकाउंट दोस्तों फॉरेन करेंसी फॉर्मेट में। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। यानी मान लीजिए, मुझे लगता है कि डॉलर ज्यादा मजबूत रहेगा रुपी से, और मैं डॉलर को रुपी में कन्वर्ट नहीं करना चाहता, तो मैं एनआरई में जमा कराने की जगह एफसीएनआर फॉर्मेट में उस पर्टिकुलर अमाउंट को रख सकता हूं। रिपेट्रिएशन, एनआरई खाते का पैसा पूरी तरीके से भारत से बाहर ले जाया जा सकता है, एफसीएनआर का पैसा भी सर आपका फुली रिपेट्रिएबल है। टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, ना तो दोस्तों एनआरई का पैसा टैक्सेबल है इंटरेस्ट का, ना ही एफसीएनआर का। जॉइंटली आप दोनों अकाउंट को खोल सकते हैं, लेकिन जॉइंट होल्डिंग सर एक नॉन रेजिडेंट इंडियन के साथ ही होगी, किसी रेजिडेंट के साथ आप जॉइंट में अकाउंट नहीं खोल सकते। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि एनआरई एवं एनआरओ अकाउंट के डिफरेंस पर बनाई गई ये वीडियो, जिसमें बोनस के रूप में हमने एनआरई एवं एफसीएनआर का डिस्टिंग्विशमेंट और समझा, आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी, आपके लिए ज्ञानवर्धक रहेगी। आपके कुछ प्रश्न हो तो आप मुझे लिखें, मैं उनका उत्तर देने की भरपूर कोशिश करूंगा। मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।